अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद जुहेब आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड ट्वेल्व टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस डेटाबेस में हम लोग डेटाबेस की डेफिनेशन को देखेंगे डेटा के कंपोनेंट्स को देखेंगे डेटा के ऑब्जेक्टिव एंड मॉडल्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रिकॉर्ड और फाइल को डिस्कस किया था रिकॉर्ड और फाइल को डिस्कस करने के बाद अब जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस और ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली उन्हीं फाइल्स की कलेक्शन को कहते हैं जिन फाइल्स में हमारे रिकॉर्ड स्टोर थे ज़रा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो मैंने बताया था कि जो फील्ड्स हैं वो उनकी कलेक्शन को हम रिकॉर्ड कहते हैं और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम फाइल का नाम देते हैं और जो फाइल्स हैं डिफरेंट फाइल्स इनको हम डेटा सेट भी कह सकते हैं अगर इन्हीं डेटा सेट्स और फाइल्स को कलेक्ट कर लिया जाए इनकी कलेक्शन कर ली जाए तो हमारे पास एक डेटाबेस बनती है तो डेटाबेस की जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स ये डेटा बेस कहलाती है स्टूडेंट्स डेटा बेस में डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को स्टोर किया जाता है और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है स्टूडेंट ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स में स्टोर की जाती हैं ये बेसिकली एक ख़ास मकसद के लिए स्टोर की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ डेटा बेसिस की एग्जाम्पल नज़र आ रही होंगी अगर मैं बात करूं तो किसी बैंक अकाउंट में जब डेटा स्टोर होता है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बेसिकली डेटा बेस में स्टोर किया जाता है अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया जाता है तो वो भी डाटा बेस में स्टोर किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया जाता है तो वो भी डेटा बेस में स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स जब भी डेटा को कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर करना हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम डेटा बेस का इस्तेमाल करें पाकिस्तान में नादरा जो कि हमारा कंप्लीट बायो जो है वो होल्ड करती है उन इदारे ने भी डेटा बेस क्रिएट की है और उन्हीं डेटा बेस में पूरे पाकिस्तान के लोगों का डेटा जो है वो मौजूद है तो डेटा बेस बेसिकली रिकॉर्ड्स या फाइल्स की कलेक्शन को ही नाम दिया जाता है जिनमें इम्प्लॉयज़ का डेटा या स्टूडेंट्स का डेटा या बैंक के क्लाइंट्स का डेटा जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं उसको स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स डेटाबेस बेसिकली डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड की जाती है और इन्हीं डिफरेंट फाइल्स की कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं अगर मैं किसी बैंक अकाउंट की बात करूं किसी बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो हर बैंकिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं लाइक सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट है लोन का अकाउंट है पर्सनल लोन का अकाउंट है तो हर अकाउंट की एक सेपरेट फाइल मौजूद है और वो जो सेपरेट फाइल्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है जब हम उनकी कलेक्शन कर लेते हैं तो वो बेसिकली एक कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट so, ये थी एक एग्जाम्पल हम इस तरह की बहुत एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं लाइक like, स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी एग्जाम्पल किस तरह से उनके डिफरेंट फाइल्स को डिवाइड किया जाता है उनके पर्सनल रिकॉर्ड की फ़ाइल होगी उनके रिजल्ट्स की फ़ाइल होंगी तो ये जो डिफ़रेंट फाइल्स हैं इनकी कलेक्शन जब की जाती है तो डेटा बनती है स्टूडेंट्स जब भी डेटा बना ली जाती है तो डेटा पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं उसमें पहली एक्टिविटी क्या है कि डेटाबेस में कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर डेटाबेस फाइल्स से मिलके बनी है और हर फाइल रिकॉर्ड्स से मिलके बनती है और हर रिकॉर्ड डिफरेंट फील्ड से मिलके बनती है तो जब तक हम किसी भी डेटाबेस में या फाइल में कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर नहीं करेंगे तो उस डेटाबेस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तो पहली जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो ये है कि आप डेटाबेस में कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं सेकंड वन डेटाबेस में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट भी किया जा सकता है ये सेकंड एक्टिविटी है कि या तो आप डेटाबेस में कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें या ऑलरेडी स्टोर्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर दें स्टूडेंट रिकॉर्ड को इंसर्ट और डिलीट करने के अलावा आप उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं एक्सेस भी कर सकते हैं जो कि पहले से ही डेटाबेस में स्टोर हैं फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस में से किसी स्टूडेंट का डेटा देखना चाहते हैं तो आप उसका रोल नंबर या उसका नाम एंटर करने के बाद उसका डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं तो डेटा को रिट्रीव करना डेटा में से यह भी डेटा की एक्टिविटीज में से आता है स्टूडेंट्स डेटा को अपडेट भी किया जाता है वो डेटा जो कि डेटा में स्टोर है आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर है डेटा में और आप उसका फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं सपोज उसने जो पुराना फोन नंबर दिया था वो बंद हो गया अब वो नया फोन नंबर जो है वो देना चाह रहा है तो आप उसका न्यू कॉन्टेक्ट नंबर अपनी डेटा बेस में अपडेट करेंगे यानी कि चेंज करेंगे तो ये भी एक एक्टिविटी है कि आप डेटा को अपडेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स डेटा के अलावा आप डेटा बेस में न्यू फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं फाइल्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स को स्टोर करती हैं आप फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं इवन वो फाइल्स जो कि डेटा में स्टोर हैं आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि डेटा पर परफॉर्म पर की जाती हैं लाइक डेटाबेस पर डेटा को स्टोर किया जाता है डेटा को डिलीट किया जाता है डेटा को रिट्रीव किया जाता है डेटा को अपडेट किया जाता है और फाइल्स को डिलीट या ऐड किया जा सकता है स्टूडेंट्स डेटाबेस को समझने के बाद हमें समझना है कि ये डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनके बगैर डेटाबेस सिस्टम इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स ये जो डेटाबेस सिस्टम है ये बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जो कि डेटा को मैनेज करती हैं प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर का नाम भी दे सकते हैं तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटा स्टूडेंट्स ये जो डेटा बेस सिस्टम है ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को स्टोर करने का एक मैथड है यानी कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को कम्प्यूटराइज फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा बेस सिस्टम यूज़ होता है और आपको पता है कि डेटा बेस सिस्टम डेटा को मैनेज करेगा और डाटा ऑलरेडी हमारी डाटा बेस में फाइल और रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर है स्टूडेंट्स डेटाबेस सिस्टम का मेन पर्पस है डेटा को मेंटेन करना और यूज़र को डेटा प्रोवाइड करना जब यूज़र को उस डेटा की ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र डेटा रिट्रीव करना चाह रहा है डेटा फेच करना चाह रहा है डेटा देखना चाह रहा है तो डेटाबेस सिस्टम का काम है कि उस डेटा को यूज़र को दिखाए इवन उस डेटा में कोई मेंटेनेंस या कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना डिलीट करना अपडेट करना ये भी डेटाबेस सिस्टम का काम है स्टूडेंट्स ये जो डेटाबेस सिस्टम है ये कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है अगर वो कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे तो डेटाबेस सिस्टम नहीं बन सकता डेटाबेस सिस्टम इनकम्प्लीट होगा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें डेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड परसोनल दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स जिसके बगैर डेटाबेस सिस्टम इनकम्प्लीट है और अगर हम डेटाबेस सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये फोर मेजर कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे अदरवाइज इसके बगैर डेटाबेस सिस्टम को आप नहीं बना सकते स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि ये डेटा क्या चीज़ है डेटा जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि किसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा का नाम दिया जाता है और ये डेटाबेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्वियसली बात है कि डेटाबेस को बनाया ही डेटा को स्टोर करने के लिए जाता है स्टूडेंट्स इस डेटा को आप इन्फॉर्मेसन भी कह सकते हैं क्योंकि डेटाबेस में डेटा के साथ इन्फॉर्मेसन भी स्टोर होती है तो अगर मैं डेटा के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो आप कंसिडर कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन भी एक कंपोनेंट ही है डेटाबेस का तो डेटा और इंफॉर्मेशन ये दोनों डेटाबेस बेस में स्टोर होती हैं तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्वियसली बात है कि अगर आप डेटाबेस बेस को क्रिएट करते हैं डेटाबेस बेस को बनाते हैं और उसमें डेटा ही स्टोर नहीं कराएंगे तो हमें उस डेटा बेस या डेटाबेस बेस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाटा बेस स्टूडेंट्स जो बेसिक पर्पज़ है डाटा बेस सिस्टम का वो इसी डेटा को स्टोर मेंटेन और प्रोसेस करना है जो डेटा हम डेटा में स्टोर कराते हैं उस डेटा को अपडेट भी किया जाता है उस डेटा को रिट्रीव भी किया जाता है एवन उस डेटा को डेटाबेस से डिलीट भी किया जाता है स्टूडेंट ये जो डेटा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम डेटाबेस बनाने के लिए या डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेटा के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर हार्डवेयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। हार्डवेयर में तमाम फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं जो कि डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एज यू नो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस एंड आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर उसके बाद मेन मेमोरी मेन मेमोरी में सबसे ज़्यादा फेमस जो मेमोरी है वो है रैम प्रोसेसर्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर कराती हैं ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और आपको पता है कि हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फ़िज़िकली मौजूद होते हैं जो कि टेंजिबल है जिनको हम टच एंड फील कर सकते हैं अगर हम डेटाबेस सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं डेटाबेस सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बगैर इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी डेटाबेस सिस्टम को क्रिएट कर लें स्विंट जो थर्ड कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स का नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि डेटा को हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स ये वो सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं जो डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स की वजह से ही डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज और मेंटेन किया जाता है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का स्टूडेंट्स ये जो डेटा सिस्टम है इसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और कुछ डी बी एम एस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं डी बी एम एस स्टैंड फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट ये जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ही बेसिकली कंप्लीट डेटा बेस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है डेटा बेस को ईजीली कंट्रोल एंड मैनेज करना और वो फीचर्स प्रोवाइड करना जो हमें ट्रेडिशनल डाटा बेस सिस्टम में नहीं मिलते थे स्विंट ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं इनके बगैर डेटा बेस इनकम्प्लीट है फोर्थ कंपोनेंट इज परसोनल अगर मैं आसान अल्फाज में पर्सोनल्स की बात करूं तो पर्सोनल बेसिकली पेपल्स को बोला जाता है लोगों को बोला जाता है जो कि डेटाबेस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डेटाबेस सिस्टम बनाया मेरे पास डेटा भी मौजूद है मेरे पास हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हैं और अगर उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मेरे पास कोई लोग नहीं हैं पिपल्स नहीं हैं या यूजर्स नहीं हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं हैं तो हम उस डेटाबेस सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स पर्सोनल्स बेसिकली उन लोगों को बोला जाता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करते हैं और डेटा बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द पीपल हु मैनेज द डेटा बेसिस एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डेटा बेस इन द डेटा बेस सिस्टम इज कार्ड परसोनल डिफरेंट टाइप के परसोनल्स या पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं डाटा बेस सिस्टम में जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स भी हैं जिसमें डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं और एंड यूजर्स भी हैं सोडेंट ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स या डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनका बेसिक काम है डेटा बेस में मौजूद डेटा data और डेटा बेस को कंट्रोल एंड मैनेज करना डेटाबेस बेस को मेनटेन करना डेटाबेस बेस में डेटा को एड करना डिलीट करना अपडेट करना जबकि जो एंड यूज़र्स हैं वो बेसिकली डेटा को यूज़ करते हैं डेटा बेस को इस्तेमाल करते हैं वो डेटा बेस में किसी भी तरह की क्वेरी लिखने के बाद डेटा को इंजर्ट नहीं करते वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होता है स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस को डिस्कस किया और इसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखी डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़ को देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज डेटाबेस पर परफॉर्म की जा सकती हैं और डेटाबेस सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को देखा और इन कंपोनेंट्स के बगैर डेटाबेस सिस्टम को बनाना पॉसिबल नहीं है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिसमें पहला कंपोनेंट है डेटा और इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड दीज आर फोर मेजर कंपोनेंट्स जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं डेटाबेस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक को नहीं पूछा जाता तो जब भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आप शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक की मजीद डिस्कशन करेंगे बहुत शुक्रिया